या देता हूँ, ये लो। अगर ये कर लिया फिर वो तो हो ही जाएगा ना। कैसे? सपोज करो ये एक ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल एम है, और सपोज देयर इज अ पुली, पुली के साथ एक और पुली और इसके साथ एक और पुली, ठीक, और ये इसके साथ अटैच्ड। यहाँ से एक मास स्मॉल एम, यहाँ फ्रिक्शन प्रेजेंट, यहाँ भी फ्रिक्शन प्रेजेंट, दोनों में फ्रिक्शन प्रेजेंट, और इसमें कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू टू, इसमें कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू वन। आपको इसमें एक्सलेशन बतानी है कि कितनी एक्सलेशन से ये ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं, कितनी एक्सलेशन से ये ब्लॉक मूव कर रहे हैं। और स्मॉल एम नीचे जाएगा, स्मॉल एम नीचे जाएगा, रस्सी खींचेगी, खींचेगी तो यहाँ जोर पड़ेगा तो कैपिटल एम आगे आएगा। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, स्मॉल एम नीचे जा रहा है, कैपिटल एम आगे जा रहा है। तो ये बताओ कि अगर स्मॉल एम, सॉरी, अगर कैपिटल एम आगे जा रहा है विद ए, तो स्मॉल एम कितनी एक्सलेशन से नीचे आएगा विद ए? गलत आंसर है, बस इसमें यही कॉन्सेप्ट है, ए गलत है इसमें, यही गलती होती है, बाकी तो वो टेंशन ही नहीं है इस क्वेश्चन में, बाकी तो आसान लग जाए तो क्या हो गया। एक्सलेशन कितनी होगी, सेम होगी, अभी तो ऐसा क्वेश्चन किया था उसमें तो सेम थी, अभी किया नहीं, एम नीचे आ रहा था, कैपिटल एम आगे जा रहा था, अभी किया नहीं, तो वो पिछली शीट का एक्सलेशन सेम ली थी, हमने ऐसे बोला था ना कि अगर ये ए है तो ये भी ए है, सही ना। इसमें कोई एक्सप्लेन करेगा कि इसकी एक्सलेशन 2a होगी, क्यों? उस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एक फर्क है, खोल के देख लो उस क्वेश्चन को, दोनों की फिगर में फर्क है, नहीं फ्रिक्शन का कोई चक्कर नहीं इसमें, बॉडी सेपरेट थी। ओके एक दूसरा, आपको ऐसा ही लग रहा कि जब जब ये ब्लॉक इधर आएगा, एक डिस्प्लेसमेंट यहां होगी स्ट्रिंग की, तो एक डिस्प्लेसमेंट यहां भी तो होगी, स्ट्रिंग्स दो तरफ से कनेक्टेड हैं, दो से जो ब्लॉक है, ध्यान से देखो ना, जो ब्लॉक है, अगर मान लो ब्लॉक एक्स डिस्टेंस इधर आता है, ठीक, तो ये भी तो एक्स इधर जाएगा, या इस पे तो 2x का फर्क पड़ गया ना, रस्सी इधर भी जा रही है घूम के फिर इधर जा रही है, और अल्टीमेटली वो डिस्प्लेसमेंट किसको मिल रही है, m को। तो अगर इस तरीके से स्ट्रिंग घूम जाए ना यहां से और यहां से, तो एक्सलेशन में हाफ का फर्क पड़ जाना है, मतलब a और a बाई टू। और पिछले क्वेश्चन में चेक कर लो, पिछले क्वेश्चन में एक ही स्ट्रिंग लगा रखी थी, चेक करो, दो नहीं थी, ए दो बार नहीं घुमा रखी थी, एक बार थी, इसलिए एक्सलेशन दोनों में a और a थी, ठीक है, बस बाकी तो क्वेश्चन है ही कुछ नहीं। तो अगर स्ट्रिंग इधर भी जा रही है और वापस घूम के इधर आ रही है, तो एक्सलेशन आपने ट्वाइस लेनी है नीचे वाले ब्लॉक की, ठीक है यहां तक। या उल्टा कर लो, अगर इसकी एक्सलेशन नीचे जाने की ए है, तो ऑब्वियसली रस्सी दो बार घूम रही है इधर और इधर, तो ए बाय टू हो जाएगा, एक ही बात है, जैसे पुली पे घुमाते हैं नहीं, आधी इधर, तो डिस्प्लेसमेंट हाफ हो जाएगी, तो इसकी एक्सलेशन कितनी हो जाएगी, ए बाय टू हो जाएगी, एक ही बात है, ठीक, बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं। लो फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका, कैपिटल एम, कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, इधर चेक करो पहले, टेंशन टी, टी एंड टी, अगेन टी एंड टी, और अगेन टी एंड टी, ठीक। तो यहां पर टेंशन्स टी एंड टी, तो मुझे इतना नजर आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल मोशन प्रोड्यूस करने के लिए इसको, सिस्टम को कितनी टेंशन मिल रही है, एक नीचे की टी और एक ऊपर की टी, टी एंड टी, ठीक। यहां पर इधर चेक करो साथ साथ, जो स्मॉल एम है, अगर सपोज ये सिस्टम ब्लॉक कैपिटल एम आगे जा रहा है, स्मॉल एम के ऊपर क्या लग रही है, सूडो फोर्स, ठीक, तो ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन स्मॉल एम के ऊपर क्या लगेगा, एम इंटू ए लगेगा,
ठीक, तो इसके ऊपर एक फोर्स जो स्मॉल एम लगा रहा है वो कितनी है, एम ए, एम ए, ठीक। तो क्योंकि स्मॉल एम ने तो इसके ऊपर फोर्स लगा दी ना एम ए, और बदले में इसको क्या मिला, नॉर्मल। तो नॉर्मल रिएक्शन स्मॉल एम का, और कैपिटल एम के ऊपर कौन सी फोर्स है, एम ए। वेक्टर उल्टे नहीं बना देने, इसको फोर्स तो ब्लॉक लगा ही रहा है ना इधर, और ये कहाँ मूव कर रहा है, आगे की तरफ, ठीक। और इसका वेट कितना है, कैपिटल एम जी, और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी एक्ट करेगी एफ टू, कितनी, म्यू टाइम्स कैपिटल एम जी। फ्रिक्शन भी तो पीछे एक्ट कर रही है इसके लिए, ठीक है यहाँ तक। हाँ बिल्कुल ठीक, यहाँ भी फ्रिक्शन लेनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि जब ये नीचे जा रहा होगा तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगी, ऊपर, तो इसके ऊपर कहाँ एक्ट करेगी, नीचे, एफ वन एफ वन, ये भी तो फोर्स है। तो बिल्कुल ठीक, तो यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू कहाँ एक्ट करेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एफ वन, ठीक है यहाँ तक। बस अब बात बन गई, बस हो गया, कैसे सारी फोर्सेस हो गई ड्रॉ। इसको आगे मूव करवाएं, आगे की फोर्स कितनी है, टी टी, और पीछे की कितनी, एफ टू। तो बोलो इक्वेशन, टू टी माइनस एफ टू इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू एक्सलरेशन। हाँ, सॉरी, ये भी तो एक फोर्स है। तो आगे की फोर्स कितनी है, टू टी, और पीछे की फोर्स कितनी है, स्मॉल एम ए प्लस फोर्स ऑफ, हाँ अब ठीक है, वो तो वर्टिकल में है, तो वर्टिकल की इक्वेशन अलग बनाऊंगा, अभी तो एक्सेस एक्स एक्सेस ले रहा हूं ना मैं, समझा नहीं यार किसका, ये एन का, ये एन कह रहे हो, एन टू इज इक्वल टू एम टू जी, एम जी। इसकी फ्रिक्शन लूं कि इसकी, इसकी इसकी फ्रिक्शन इसके नॉर्मल रिएक्शन पे अफेक्ट करेगी, नीचे वाले के, नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स वाई एक्सिस है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन, हाँ तो करेगी मैं मान रहा हूं, लेकिन एफ टू की वैल्यू एफ वन के बेसिस पे चेंज हो जाएगी, एफ टू की वैल्यू, ओ अच्छा, ओ ओके ओके ओके, हाँ आप ये बोलो, हाँ बिल्कुल सही है, सही कह रहे हो, हाँ मुझे एन टू पुट करना चाहिए, ये सही कह रहे हो, ओके ओके, ये पुट, ये कहो कि आप एम जी मत पुट करो, एन टू पुट करो, हाँ सही कह रहे हो, मैंने थोड़ी जल्दी कर दिया, मैं नॉर्मल रिएक्शन जल्दी में पुट कर दिया एम जी, जबकि मेरे को वाई एक्सिस में इक्वेशंस बनानी चाहिए। तो वाई एक्सिस की ऊपर की इक्वेशन कितनी है, एन टू, और नीचे की इक्वेशन कितनी है, कैपिटल एम जी प्लस एफ वन, हाँ ये बात बनी, एन टू अब चेंज होएगा, ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो एन टू की वैल्यू विल बी इक्वल टू कैपिटल एम जी प्लस म्यू वन इन टू, बोलो नॉर्मल रिएक्शन कितना है, एम ए, ये रहा, ये देखो स्मॉल एम ए, ठीक। हाँ अब ठीक है, अब एन टू को यहां पुट करेंगे, तो टू टी माइनस स्मॉल एम ए प्लस म्यू टू इन टू, एन टू की जगह कैपिटल एम जी प्लस म्यू वन इन टू स्मॉल एम ए इज इक्वल टू कैपिटल एम ए, ये क्वेश्चन नंबर वन अब से है, ठीक। और अगर स्मॉल एम की, स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ये रहा स्मॉल एम, स्मॉल एम के नीचे की तरफ कितनी फोर्स लग रही है, स्मॉल एम जी, ऊपर की तरफ कितनी लग रही है, टी, और एक और लग रही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन इसके अंदर क्या होता है, स्मॉल एम ए, और ये कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है विद एन एक्सलेशन ऑफ टू ए। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एम जी माइनस एफ वन प्लस टी इज इक्वल टू स्मॉल एम इन टू टू ए, दिस माइनस दिस एंड दिस, स्मॉल एम इन टू टू ए, और यहां पर एम जी माइनस म्यू वन इन टू एम ए, नॉर्मल रिएक्शन इसमें एम ए है, और प्लस टी इज इक्वल टू स्मॉल एम इन टू टू ए, दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू। वन एंड टू को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, एक्सलेशन की वैल्यू आएगी टू एम माइनस म्यू टू एम प्लस एम इन टू जी बाई कैपिटल एम स्मॉल एम, फाइव प्लस टू
म्यू वन माइनस म्यू टू, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब करते रहना मैच इसे, बट मेन चीज समझ में आ गई यार। मेन चीज तो ए और टू ए का फंडा था, बाकी तो कोई चक्कर ही नहीं है इसमें। क्या है पॉइंट, सबको क्लियर है? ठीक,